उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर अज्ञातों ने फायरिंग कर दी है। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंद्रशेखर अपनी फॉर्चूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे हुए थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली उन्हें छूकर निकल गई है, जिससे वह घायल हो गए हैं। उनकी कार पर भी गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हमलावर हरियाणा नंबर की कार में आए हुए थे और चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग कर दी। चंद्रशेखर की पीठ को गोली छूकर निकली है, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फायरिंग में उनकी कार के शीशे भी टूट गए हैं। फिलहाल पुलिस ने नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहा है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। जिस समय यह हमला हुआ, तब चंद्रशेखर दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे, तभी बीच रास्ते में देवबंद में उनके काफिले पर हमला हो गया है। पीछे से आई हरियाणा नंबर की गाड़ी में सवार अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कुल 4 राउंड फायरिंग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वाई डब्ल्यू एन न्यूज़।